गाइस, आप देख रहे हैं न्यू ईरा पाठशाला एजुकेशन और हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसके हमने जो है एक्सरसाइज 8.3 के अभी तक काफी क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट तक हम कर चुके हैं, आज हमने फोर्थ पार्ट उसका करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इट्स माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 वॉच कंप्लीट वीडियो सो दैट यू कैन मेक अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय मी। ओके, सो ये आज करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपके पास है कोसेकेंट 31 डिग्री और माइनस सीकेंट 59 डिग्री। और मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियोस में आई थिंक वीडियो 16 में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी क्या होता है जो कोसेकेंट होता है क्या होता है कोसेकेंट 90 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है सीकेंट ए के बराबर होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो, सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको लिंक शेयर किए गए हैं, प्लीज उसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है सीकेंट 90 माइनस ऑफ समथिंग, कोसेकेंट 90 माइनस ऑफ समथिंग हमेशा किसके बराबर होता है सीकेंट ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यही करना है। तो देखिए मैं आपके सामने करके बता रही हूँ, कोसेकेंट 90 माइनस ऑफ कितना करेंगे हम लोग 59 करेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा सीकेंट 59, बात सही है ना, सीकेंट 59 आएगा ना, इसको और थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका सीकेंट 59 डिग्री आ जाएगा पास। तो इसका मतलब कि कोसेकेंट जो आपके पास है इसे जो है मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे ये भी तो लिख सकती हूँ, तो आपके पास यही होगा कोसेकेंट 90 माइनस ऑफ जो है 59 इज इक्वल माइनस ऑफ सीकेंट 59 डिग्री, सही बात है, क्योंकि 90 में से 59 जाएगा तो कितना आएगा 31 आएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये किसके बराबर आएगा सीकेंट 59 डिग्री माइनस ऑफ कितना होगा सीकेंट 59 डिग्री हो जाएगा। सीकेंट 59 से सीकेंट 59 को माइनस हुआ तो कितना आने वाले हैं दैट इज इक्वल्स टू 0, हमारा आंसर क्या आ गया है 0 आ गया है। तो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट भी आपको जो है फोर्थ पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे, उसके क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जो एक्सरसाइज आपकी 8.3 है उसका क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1065 डिग्री इक्वल्स टू 1 हमें लाना है। तो देखिए अब हम करने वाले क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको क्या बताया था मैंने कि 1090 माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉट ए होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, सो ये चीज आपके पास है, इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1048 डिग्री है उसे मैं लिख सकती हूँ 1090 माइनस ऑफ 42 डिग्री, सोच कर देख सकती हूँ ना, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा 48 आएगा। सिमिलरली आप थोड़ा सा मैं इसे रेस कर दे रही हूँ, ये रेस कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1023 डिग्री, 1023 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ 1090 माइनस ऑफ 67 डिग्री तो कितना आएगा बोलो 23 डिग्री आएगा, और बाकी का एज इट इज लिख दीजिए, मतलब 10 जो है आपके पास 42 डिग्री और कितना होगा 1067 डिग्री इक्वल्स टू कितना लाना है 1, क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो 10 होता है 90 माइनस ऑफ ए किसके बराबर होता है cot a के बराबर, ये बताया था, इसका मतलब कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 1090 माइनस ऑफ 42 मतलब ये हो जाएगा cot 42, सही बात है। इसी तरह से 1090 माइनस ऑफ 67 क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास cot 67, ये एज इट इज रहेगा, मतलब कि 1042 और ये क्या रहेगा 1067 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, क्लियर हुआ कैसे लिखा हमने। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हम ये कह सकते हैं 1/10 तो हम क्या लिख सकते हैं cot जो है थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा, होता है कि नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में सब कवर किया है, इसलिए अगर आपको नहीं इसकी अंडरस्टैंडिंग है सो प्लीज गाइस आपने करना क्या है प्रीवियस वीडियो में विजिट करिए, मेरे प्लेलिस्ट में आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक 1 बना रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एक्सरसाइज 8.2 बना रखी है, वहां पे विजिट करिए, वहां से वॉच करिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है 10 थीटा जो है आपके cot थीटा किसके बराबर होता है 1/10 थीटा, इसका मतलब क्या है, मैंने 10 आपके पास cot 42 डिग्री है, देखिए ना मैंने क्या बोला आपको जो है cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा होता है, ये लिख सकते हो, इसका मतलब cot 42 को क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ मैं 1042 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली cot 65 को क्या लिख सकती हूँ 1/1067 डिग्री लिख सकती हूँ, जैसा मैंने ये रूल बनाया वैसा ही मैंने यहाँ लिख दिया है।
आगे का जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा 10, 42 डिग्री, और क्या रहेगा आपके पास 10, 67 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा 1, क्लियर हो? अब 1042 से 1042 कट गया, 1067 से 1067 कट गया, तो कितना आया इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कि 1 इक्वल्स टू कितना आ गया है 1 आ गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्लियर कर रहे हैं, क्लियर हुआ? मैंने आपको 8.3 का फर्स्ट करा चुका है पूरा का पूरा, 8.3 का ही सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं, अब हम कौन सा कर रहे हैं, दैट इज जो है आपका सेकंड पार्ट ऑफ 8.3। तो अब हमारे पास क्या है, दैट इज यहाँ पे लिखा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52, ये लिखा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसे कन्वर्ट करना है ताकि आपस में जाके क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। सबसे पहले सोचना है कि सोचना कैसे है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आपके पास है, आपके पास है cos 38 डिग्री। इस cos 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज cos 90 माइनस 52, बात सही है, क्योंकि 90 माइनस 52 करूंगी तो कितना आएगा 38 आएगा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos, यहाँ पे लिख सकते हो 90 माइनस 38 डिग्री, सही ना? तो फिर कितना आ जाएगा 90 माइनस 38 52 आएगा। आगे बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिए साइन 38 डिग्री और क्या होगा आपके पास साइन 52 डिग्री और इक्वल्स टू में क्या लाना है इसे, ठीक है? अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको रूल बताया था कि कभी भी क्या होता है कॉस अगर आपके पास क्या है 90 डिग्री माइनस ऑफ ए होता है तो क्या हो जाएगा कॉस साइन ऑफ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ ए आ जाएगा, क्लियर हो गया? क्या आएगा साइन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ साइन 52 डिग्री, ठीक है? इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ साइन 38 डिग्री। आगे क्या है आपके पास माइनस साइन 38 डिग्री और क्या दे रखा है साइन 52 डिग्री, ठीक है? तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास क्या है, देखिए ये आपस में क्या है, ये तो हमारा क्या है फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद देखिए साइन 52 माइनस जो है साइन 38 में से साइन 38 और साइन 52 जाएगा तो क्या आने वाला है जीरो, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये और ये क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया जीरो, विच वी हैव टू प्रूव। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो जितने मेरे क्वेश्चन आज कराए हैं आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स।